हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं इस समय हूँ अभी कुलवे जी में। तो सुबह हो चुकी है अभी। फ्रेंड लोग जो साथ वाले हैं वो सब लोग सो रहे हैं, तो अभी वो भी उठ जाएंगे। तो आधे घंटे में हम निकलेंगे अपनी ड्यूटी की तरफ। अभी टाइम 6:30 हो रहा है और अभी मैं किचन में हूँ, तो पानी गर्म कर रहा हूँ पीने के लिए। उसके बाद चाय वाय पी के यहाँ से निकलेंगे ड्यूटी के लिए। तो आप अब बाकी की जो आज की नेक्स्ट जर्नी है, जो मुझे मशीन जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको कि मशीन में को ऑफलोड करनी है, वो ऑफलोड करने के बाद में फिर हम जाएंगे किसानपुर, वहाँ से करेंगे डोजर लोड और फिर निकलेंगे अपने टाउन की तरफ। तो चलिए चलते हैं, फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। अब निकल चुके हैं आगे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। देख सकते हैं कुलवे जी, और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो भी काम मेरा बैलेंस बचा हुआ करके वापस निकलेंगे लुम्बासी टाउन। والفتح بس الكاشيرين ما في حد على البكاتب ما يعطونا شيء. شو عندك انت؟ ما عندي راشن بقالي، عاد ايش مرة حيوان شوي عن فك الوصلة اللي عندي ما ادري شبع الجي سي بي يوم الرجال كسر راسه في القارية. بارع دوخ ماليش قدح. ما يدوب الراس هسه هو هسه هسه عجبت راسي. फाइनली मैं कंपनी में आ चुका हूँ। करीलू सीमेंट की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। सामने देख सकते होंगे आप, क्रेन वगैरह लगी हुई है, बड़ी बड़ी क्रेनें हैं। 500-600 टन तक की एमईएस की क्रेन जो है वो भी यहीं चलती है, और भी क्रेनें लगी हुई हैं। तो मेंटेनेंस भी चल रहा है और न्यू प्रोजेक्ट भी है इसी के अंदर में। काफ़ी बड़ी कंपनी है, दूर तक है। अभी हम पार्किंग में खड़े हैं और क्लाइंट का वेट कर रहे हैं। क्लाइंट आएगा तो हमको लेके जाएगा किस लोकेशन में ऑफलोड करना है। बाम्बा 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 तो
फाइनली ऑफ लोडिंग करने के बाद हम निकल चुके हैं किसानफू के लिए और अभी ऑन द वे हैं। अराउंड 30 मिनट्स हम किसानफू पहुंच जाएंगे, फिर वहां से करेंगे डोजर लोड। लोड करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होगा तो हम निकलेंगे लुबुमबासी। तो आज की जर्नी होगी कुलवेजी किसानफू टू लुबुमबासी। फ्रेंड्स डोजर लोडिंग होने जा रहा है, देख रहे होंगे आप। फ्रेंड्स फाइनली हमने डोजर कर लिया है लोड और अब इसके बाद में पेपर वगैरह वर्क पूरा हो जाएगा तो हम निकलेंगे यहाँ से लुबुमबासी। ये अपने पाकिस्तानी भाई लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं, ये लोग मिले हैं यहाँ पर, यहीं काम करते हैं ये लोग माइनिंग में और मेंटेनेंस का काम करते हैं, ये सब डोजर एक्सेवेटर वगैरह जो है इंजन मेंटेनेंस वगैरह हाइड्रोलिक मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने डोजर लोड कर लिया है, साथ में हमारी कंपनी का एक टेलर भी है लोवेट, इस पर ट्रक भी लोड है, एक और है इस पर भी लोड है और पीछे एक टेलर और आ रहा है लोवेट, उसके ऊपर भी लोड हो रहा है। तो लोड जब हो जाएंगे तो चारों गाड़ी एक साथ निकलेंगी और हमारे पेपर आधे हो चुके हैं कंप्लीट, आधे नहीं हुए हैं तब तो पेपर भी हो जाएंगे। और एक्चुअली साथ में निकलने का कारण ये है कि कंपनी से फ़ोन आया था कि जो हमने ये बूम आगे की तरफ डाउन कर रखा है तो हाईवे के ऊपर हम ये एब नॉर्मल हो गया, तो बिना एस्कॉर्ट के हम लोग इसको लेके नहीं जा सकते। तो एक एस्कॉर्ट की गाड़ी है वो आगे चलेगी फोर व्हीलर और जिसमें लाइटें वगैरह रहती है सब, और उसके पीछे हम चलेंगे आगे पीछे होके, तो चारों गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी, तो इसके लिए हम कर रहे हैं वेट। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं कुलवेजी के लिए, सॉरी लुबुमबासी के लिए। फ्रेंड्स हमारी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं और ये मैं मेरी गाड़ी, पीछे मेरे साथ वाला है, अब हम सब एक साथ निकलेंगे यहां से लुबुमबासी। आप सामने स्कॉर्ट की गाड़ी लगी हुई है। फ्रेंड्स ये वही लोकेशन है जो पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि जो एक्सीडेंट हुआ था, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये शायद गाड़ी दिख रही होगी, हाँ ये देखिए आप, यही एक्सीडेंट हुआ था, ये केबिन यहाँ पड़ा हुआ है। तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, यहीं पर लोगों ने रास्ता बंद कर रखा था और पैसे ले रहे थे सब आने जाने वाले गाड़ी वाले। रात के दो और फाइनली मैं लुबुमबासी में एंटर कर चुका हूँ और अब जाएंगे यहाँ से क्रेन पार्क करेंगे ऑफिस में, पीछे भी एक गैराज है जो पीछे हम छोड़ के आ रहे हैं अभी, तो वहाँ नहीं पार्क किए कि अभी इस समय पे अपनी कंपनी की गाड़ी कोई आएगी नहीं, ड्राइवर सब चले गए होंगे तो कोई ड्रॉप नहीं कर पाएगा,
तो गाड़ी लेके हम सीधा जा रहे हैं रूम के पास में जो ऑफिस है वहाँ पर पार्क करेंगे और फिर सीधा जाएंगे रूम। और रूम वाले को मैंने साथ वाले को बोल रखा है कि वो गेट की चाबी लेके रखेगा या गार्ड को दे देगा। तो अब यहाँ से हम जाएंगे गाड़ी पार्क करके सीधा रूम जाएंगे और हाथ मुँह धोऊँगा, धोने के बाद में सीधा सो जाऊँगा क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज। सीधा सो जाऊंगा और कल वैसे तो कोशिश कर, मेरा मन तो नहीं है ड्यूटी जाने का, इन केस अगर इमरजेंसी काम हुआ भी तो 12 बजे के बाद में ही आऊंगा मैं। और ये डोजर ऑफ लोड तो ये दूसरे ऑपरेटर हैं वो ले जाके ऑफ लोड कर देंगे। तो आप लोगों को मेरी ये जर्नी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बाकी अच्छी अच्छी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।